हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। तो मैं आज आप लोगों को डायल गेज कैसे देखा जाता है इसके बारे में बताऊंगा। मेरा अलाइनमेंट का भी वीडियो बहुत सारा है, मैंने प्रैक्टिकल अलाइनमेंट भी करके दिखाया है आप लोगों को, तो वो मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। और मैंने डायल देखने का भी मैंने बताया था कैसे डायल को देखा जाता है, लेकिन बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर समझ में ठीक से नहीं आया, तो मैं फिर से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे रीडिंग देखा जाता है, तो आप लोग समझ जाइएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छा से प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक है। मैं पेपर में समझाऊंगा आप लोगों को कि प्लस होने से क्या करना चाहिए, माइनस होने से क्या करना चाहिए, सिम आपको निकालना चाहिए कि डालना चाहिए, मैं सारा दिखाऊँगा अभी, ठीक है। तो अभी आप लोग डायल देखना सीख जाइए पहले, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर डायल ही नहीं देख पाइएगा तो मुश्किल है। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आता है कि मैं तो 10 मिनट में कर लेता हूं, तो भाई ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। आप बहुत दिग्गज हो, तो आप अगर 10 मिनट में अलाइनमेंट कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, आपको समझा पाना मुश्किल है। तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, और अगर आपको सीखना है तो वीडियो पे बने रहिए और सीखिए। 10 मिनट में सही में अलाइनमेंट नहीं होता है, अलाइनमेंट जो करता है उसको पता है। अगर कोई कर रहे होंगे अलाइनमेंट का वीडियो करते होंगे, वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि अलाइनमेंट कितना प्रॉब्लम वाला चीज़ है। बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आते हैं कि सर मैं 10 मिनट में कर लेता हूं, तो थोड़ा सुन के अच्छा नहीं लगता, ठीक है। 10 मिनट में नहीं होता है अलाइनमेंट। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कैसे रीडिंग इसका देखा जाता है। तो सोचिए अभी ये जीरो में सेट है दोस्तों, ठीक है। आपको ये कांटा दिख रहा है, ये 0.01 दिख रहा है, तो 0.01 मिनिमम ये बताएगा, 0.01 से 10 mm तक का आउट आपको बताएगा। वो मैं किस लिए बता रहा हूँ, 10 mm तक का आउट बताएगा। यहाँ छोटा डायल में देखिए जीरो दिख रहा है आपको, जीरो के बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 mm तक का ही आउट बताएगा। इसको लोड दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 9 हुआ, ये 10, एक राउंड घूम गया इधर पूरा, जीरो में फिर से आ गया, मतलब 10 mm तक का ये डायल गेज जो है 0.01 से 10 mm तक का आउट ये बताएगा आपको, ठीक है दोस्तों। ये छोटा डायल से हम लोग को पता चलता है, इसको जानना है आप लोगों को, ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको अलाइनमेंट करना है तो उससे पहले क्या करना है, मिनिमम मैं जैसे डालता हूँ, आप 5 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं, मैं 5 mm 5 देख रहे, छोटा डायल को देखिए अभी ध्यान से, 5 में है, तो 5 में मैं सेट कर लेता हूँ इतना। अगर 5 का लोड आप नहीं दीजिएगा तो आपको माइनस और प्लस दोनों नहीं बताएगा, कांटा दोनों तरफ घूमना चाहिए ना। अगर मैं छोड़ दिया, जीरो में रखा है, तो अभी क्या है, ये खाली प्लस का डायरेक्शन देगा, देखिए खाली प्लस का देगा, माइनस का तो देगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग को अलाइनमेंट करने से पहले डायल को सेट करते समय क्या करना है, इसको छोटा डायल में लोड देना है कम से कम 5 mm का, ठीक है। 5 mm का दे सकते हैं, 6 का भी दे सकते हैं, मैं ज़्यादातर 5 रखता हूँ, 5 का लोड देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको प्लस और माइनस दोनों तरफ का ही रीडिंग मिलेगा। एक बार अगर ये घूमता है, ये देखिए अभी मैं जीरो में सेट करके आपको दिखाता हूँ, ये मैंने जीरो में सेट किया, अभी जीरो में सेट किया, अगर ये छोटा एक राउंड घूम जाएगा, मतलब 1 mm आउट है, देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये एक राउंड घूमा, देखिए ये अभी 1 mm आउट है, ठीक है, 1 पे कांटा आ गया, देखिए 1 mm आउट है। मैं छोड़ूंगा, देखिए रिवर्स चल जाएगा ये जीरो, ठीक है। ये एकदम आपको समझ जाना है कि एक में आया इसीलिए दिया गया, समझने के लिए, एक में गया 1 mm आउट, 2 में गया 2 mm आउट, 3 में गया, छोटा डायल का मैं बात कर रहा हूँ, छोटा डायल 3 में गया तो 3 mm आउट, ऐसे आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं 5 का लोड दे के रखता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसका रीडिंग आपको कैसे देखना है ऊपर वाला का। अभी सोचिए ये जीरो में है, ठीक है, जीरो में है, तो जीरो के बाद जो एक दागी देख रहे हैं वो 0.01 का है। ये अभी बहुत कम मेरे को प्रेस करना पड़ेगा, ये 0.01 का है, ठीक है। देखिए अभी जैसे 0.04 हो गया है, 1 में लाने के लिए मेरे को बहुत कम प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले वीडियो बना रहा हूँ तो हो नहीं पा रहा अभी, ठीक है। तो ये एक दागी जो देख रहे हैं आप, 0.01, 0.02, 0.03 करके ऐसा आएगा। ये जो 10 लिखा हुआ है, ठीक है, ये है 0.1, ठीक है, ये 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और यहाँ पे हो जाएगा 100 में क्या हो जाएगा, 1 mm आउट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा 1 mm आउट। और अगर इधर से कांटा घूम रहा है तो क्या है, 10 का तरफ से घूम रहा है, मतलब प्लस में आउट बता रहा आपको। अगर इस तरह से कांटा घूमे, सोचिए इधर से, तो प्लस में आउट हो। और अगर ये रिवर्स जाए, अभी मैं लोड देके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी सोचिए मैंने 5 का लोड दिया, अभी जीरो में है, अगर ये 90 का तरफ से घूमता है
तो ये माइनस बता रहा आप लोगों को, ठीक है। सेम ही रीडिंग सेम है, रीडिंग इधर भी सेम है, 0.01 0.02 करते करते यहाँ 0.1 0.2 ऐसे जाएगा, लेकिन इधर से अगर जब भी घूमे तो माइनस में बताएगा और इधर से जब भी घूमे तो वो प्लस में बताएगा। इतना खाली आपको याद रखना है, ठीक है। जब तक आप रीडिंग देखना नहीं जानिएगा तो आपको अलाइनमेंट सिखा पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपको रीडिंग देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। समझिए, मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इससे पहले भी वीडियो बनाया हूँ रीडिंग देखने के लिए, तो वीडियो को समझिए। और नहीं समझ में आया तो कुछ कमेंट्स करके मेरे को बताइए, मैं उसके भी वीडियो बना दूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, मैं उसमें भी बता दूँगा। तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को बताया, यहाँ से 0.1 0.01 0.02 करके ऐसे जाएगा, 0.01 करके, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ देखने के लिए, ठीक है। मैं प्रेस करता हूँ और रोकता हूँ और आप सोचिएगा पहले कितना है, ठीक है। ये सोचिए, अभी मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, आप बताइए, आप लोग सोचिए सोचिए, आप मन में सोच लीजिए कितना है, ठीक है। तो ये अभी मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, ये क्या है, 0.09 में है, ठीक है, 0.09 में है, ठीक है, 0.09 वो बता रहा हूँ। जैसे ही ये 10 के पास आ जाएगा, ये 0.1 पे आ जाएगा, ठीक है, 10 पे भी रुकने जैसे, ये 0.1 पे आ गया, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया, आपको जानना चाहिए, ठीक है। इधर से जब भी आए ये प्लस में बताएगा, इधर से जब भी जाए ये माइनस में बताएगा, और एक दागी जो है 0.01 का है, ठीक है। उसके बाद ये करते करते 0.012 करते करते 0.1 में आता है, 0.2 में आता है। सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें आपको लोड देना है, कभी भी अलाइनमेंट करते समय ध्यान देना है, ये छोटे डायल में आपको लोड देना है, ठीक है। छोटे डायल में 5 mm का लोड देना है, मैं 5 का देता हूँ, आप 6 का भी दे सकते हैं। मैक्सिमम ये 10 mm आउट बताएगा, मिनिमम 0.01 का मिनिमम बताएगा, ठीक है। ये इसका कैपेसिटी इतना ही है। तो सिंपल है, एक दागी जो होता है 0.01 से स्टार्ट होता है, फिर 0.02 करते हुए इधर से प्लस में जाएगी और इधर से माइनस में जाएगी। तो उसके बाद अगर आपको जानना है कि माइनस में जाएगा तो क्या करना है, सिम डालना है कि निकालना है, प्लस में जाएगा तो क्या करना है, इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, और उसको भी देख लीजिए, या लाइव मेरा अलाइनमेंट किया हुआ उसको भी देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको पेपर में प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नीचे वीडियो के एंड में भी आएगा, तो प्लीज़ उसको जाके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। वो राजवीर फैमिली ब्लॉग के नाम से आएगा, तो वीडियो के एंड में भी आएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो उस चैनल को जाके सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय,